पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये कल की धाम, श्री कल की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर ना था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा, क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है? मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के, जब हम इमेजिन करते हैं, तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, गोरक्ष पीठाधीश्वर, पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार नारा और जयकारा लगना चाहिए।